सो हाय एवरीवन, तो क्या दोस्तों आप भी अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल से, तो दोस्तों आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने दो तरीके से आधार कार्ड को डाउनलोड करना बताया है। पहला आधार कार्ड नंबर से, अगर आप सभी लोगों के पास आधार कार्ड नंबर है तो दोस्तों आप सभी लोग अपने आधार कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा आप सभी लोग अपने एनरोलमेंट नंबर से, अगर दोस्तों आप सभी लोगों का नया आधार कार्ड है तो तब भी आप सभी लोग अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं एनरोलमेंट नंबर से और अपने रिसीविंग के माध्यम से। तो दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो के ही पार्ट को मिस मत करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आ जाने के बाद हम लोगों को सिंपली अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम लोगों को सिंपली यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे UIDAI सिंपली सर्च कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेता हूँ। सिंपली सर्च करने के बाद हमारे पास कई साइट यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास कई साइट ओपन हो चुकी हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हमारे पास कई साइट ओपन हो चुकी हैं, लेकिन हम लोगों को सिंपली फर्स्ट वाली साइट पे क्लिक करना है, जिसमें आप सभी यहाँ पे देख ही सकते हैं, इसमें लिखा है UIDAI.gov.in। तो दोस्तों आप सभी लोगों को सिंपली इस पर ही क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा। तो दोस्तों हमारा नया पेज ओपन हो चुका है और हमें यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों को सिंपली अपना यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं सिंपली इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से एक नया पेज ओपन हो चुका है। नया पेज ओपन हो जाने के बाद हम लोगों को सिंपली स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास कई ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों को सिंपली यहाँ पे डाउनलोड आधार वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हम लोगों को सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन हो जाने के बाद हम लोगों को सिंपली स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आप सभी लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फिर से डाउनलोड आधार वाला ऑप्शन। तो दोस्तों हम लोगों को सिंपली इस पर फिर से क्लिक करना है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, हमारे पास 5 से 10 सेकंड में एक पेज रिलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है। आप सभी लोग अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं तीन ऑप्शन से, पहला आधार नंबर, दूसरा एनरोलमेंट आईडी और तीसरा वर्चुअल आईडी। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले आधार नंबर से अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना सीखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम लोगों को सिंपली यहाँ पे इंटर आधार नंबर वाले ऑप्शन पे अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। दूसरे वाले ऑप्शन पे आप सभी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कैप्चे का। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे इंटर कैप्चे वाले ऑप्शन पे अपने या दिए गए कैप्चे को आप सभी यहाँ पे सिंपली फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप सभी लोग यहाँ पे सिंपली सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोग यहाँ पे फिल करके आप सभी सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना आधार नंबर और दिए गए कैप्चे को यहाँ पे फिल कर लिया। फिल करने के बाद मैं सिंपली सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, हमारे आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लगा है उस पर सिंपली ओटीपी चली जाएगी। दोस्तों अगर आप सभी लोगों को नहीं पता है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लगा है तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे सिंपली चेक कर लेना है। अगर आप सभी लोग अपने आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर चेक नहीं कर पाते हैं कौन सा लगा है कौन सा नहीं लगा, इसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा है। आप सभी लोगों को सिंपली उस पर क्लिक करना है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सभी लोगों के आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लगा है कैसे नहीं लगा है, आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप सभी लोगों को पता है सिंपली यहाँ पे सिंपली सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चली जाएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक ओटीपी चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सिंपली क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करने के बाद आप सभी यहाँ पे देख ही सकते हैं, हमारे पास ओटीपी सक्सेसफुली का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों को सिंपली यहाँ पे इंटर ओटीपी वाले ऑप्शन पे अपनी ओटीपी यहाँ पे फिल कर देनी है। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे ओटीपी आ चुकी है मोबाइल पर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सिंपली अपने ओटीपी को फिल कर दिया। फिल करने के बाद मैं सिंपली वेरीफाई एस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास थोड़ा रिलोड लेगा, 5 से 10 सेकंड तक आप सभी लोगों का रिव्यू चला जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आप सभी लोगों का आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने स्किप नहीं किया, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 10 सेकंड थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों आप सभी लोग सिंपली वेट कर लेना है। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग सिंपली स्क्रॉल डाउन करते नीचे चले जाए। नीचे जाने के बाद आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास कांग्रेचुलेशन का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, जिसमें लिखा है आप सभी लोग यहाँ पे सक्सेसफुली आधार डाउनलोड हो चुका है और आप सभी लोग सिंपली मोबाइल में चला गया होगा। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, हम लोग को सिंपली राइट साइड में थ्री डॉट देखने को मिल जाएगा, हम लोग को सिंपली उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करते नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आप सभी लोग यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे देखने को मिल जाएगा, आप सभी लोगों यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को फाइल फोल्डर में भी चला जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को फाइल को कैसे ओपन करना होगा आप सभी लोगों को पूरे वीडियो में बताता हूँ। आधार कार्ड को पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए मुझे अपने मोबाइल को रोटेट करना होगा। रोटेट करने के बाद ही हम लोग अपने आधार कार्ड को पीडीएफ में डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद हम लोगों को सिंपली वही काम करना है, हम लोगों को सिंपली राइट साइड में थ्री डॉट देखने को मिल जाएगा, हम लोगों को सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिले, हम लोगों को सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे आधार कार्ड को डाउनलोड किया है, सबसे पहले वाले ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे पास कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 2-3 ऑप्शन। तो दोस्तों हम लोगों को सिंपली पीडीएफ में डाउनलोड करना है, इसलिए मैं सिंपली पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लेना। वेट करने के बाद आप सभी यहाँ पे फाइल को ओपन करने के लिए आप सभी यहाँ पे पासवर्ड देना होगा। तो दोस्तों आप सभी को पासवर्ड कौन सा देना है मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे अपने पासवर्ड को ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे गलती करते हैं और अपने आधार कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन ओपन नहीं कर पाते हैं।
तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मोहन कुमार आप सभी लोगों का नाम है और आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2004 है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे सिंपली देखने को मिल जाएगा मोहन में आप सभी लोगों को सिर्फ चार अक्षर को लेना होगा। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं मोहन में MOHA, तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे चार अक्षर ही लेना है। दोस्तों यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ और आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों को सिंपली सब कैपिटल में लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहन MO, आप सभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा MOHA, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया। फिर उसके बाद आप सभी लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आप सभी लोगों का डेट ऑफ बर्थ का पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे सिंपली सन लिखना है। जैसे कि 2004 है तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली 2004 लिख देता हूँ, तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली 2004 लिख दिया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सिंपली एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिंपली ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली अपना एग्जैक्ट यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे फिल करके यहाँ पे ओपन करके आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल कर दिया, फिल करने के बाद मैं सिंपली ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो हमारे यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को इसे दोबारा आप लोगों को पासवर्ड न डालना हो इसके लिए आप सभी लोग यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आप सभी लोगों को सिंपली ऊपर राइट साइड में 3 डॉट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों को सिंपली 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम लोगों को सिंपली डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग जब भी आप लोग ओपन करेंगे तो दोस्तों आप सभी लोगों को बार बार अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई जिन लोगों का आधार कार्ड नंबर पता है और उनके मोबाइल नंबर लगा है। अब बात करते हैं जिन लोगों का नया आधार कार्ड है उन लोगों का एनरोलमेंट नंबर से कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों हम लोग सिंपली चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के डैशबोर्ड पर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ UIDAI के मेन पेज पर जिसमें हम लोगों को एनरोलमेंट आईडी से अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है। तो दोस्तों हम लोगों को अपना एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे फिल करना होगा। एनरोलमेंट आईडी आपसे लोगों को कहाँ से मिलेगा, जब आपसे लोगों ने अपना आधार कार्ड अपडेट कराया होगा या फिर आपसे लोगों ने नया आधार कार्ड बनवाया होगा तो दोस्तों आपसे लोगों को एक रिसीविंग दी गई होगी। रिसीविंग में आपसे लोगों को ऊपर देखने को मिल जाएगा 16 डिजिट का आपसे लोगों का एनरोलमेंट आईडी होगा। तो दोस्तों आपसे लोगों को यहाँ पे सिंपली फिल कर देना है। उसको फिल करने के बाद भी आपसे लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास वैलिड यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपसे लोग यहाँ पे देखते हैं आपका वैलिड नहीं है एनरोलमेंट आईडी। तो दोस्तों आपसे लोगों को यहाँ पे अपने डेट और टाइम भी यहाँ पे फिल करना होगा। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे अपने डेट फिल करनी होगी। डेट हम लोगों को कैसे फिल करना है, हम लोगों को अपने डेट यहाँ पे उल्टी कर देना चाहिए। हाँ दोस्तों, जैसे कि आपसे लोगों का 1/1/2023 को आपसे लोगों का आधार कार्ड बना था, अब आपसे लोगों उसको सिंपली उल्टा करके 2023 उसके बाद 1 फिर उसके बाद 1 आपसे लोगों को लिखना है। तो दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे सिंपली लिख के आपसे लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे 2022 है, तो दोस्तों मैं सिंपली 2022 लिख देता हूँ। उसके बाद आपसे लोगों को यहाँ पे अपना मंथ लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 12 वाला, तो यहाँ पे सिंपली 12 लिख देता हूँ। 12 लिखने के बाद आपसे लोग यहाँ पे डेट देखने को मिल जाएगा जिस दिन में आपसे लोगों को बना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सिंपली 8 तारीख है, तो दोस्तों मैं सिंपली यहाँ पे 08 लिख देता हूँ। लिखने के बाद आपसे लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपसे लोगों को कैसे लिखना है, 2022/12/2008। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया। लिखने के बाद भी आपसे लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वैलिड नहीं है आपसे लोगों का एनरोलमेंट नंबर। तो दोस्तों अभी आपसे लोगों को एक चीज़ और लिखना है जो कि आपसे लोगों का टाइम है। तो दोस्तों आपसे लोग यहाँ पे टाइम भी यहाँ पे लिखने का पड़ेगा। तो दोस्तों आपसे लोगों को सिंपली यहाँ पे टाइम लिख देना। टाइम कैसे लिखना है दोस्तों, आपसे लोगों को जैसा कि टाइम आपसे लोगों रिसीविंग में दी गई है ऊपर आपसे लोगों राइट साइड में देखने को मिल जाएगा, सेम वही यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे टाइम है सेम यहाँ पे कॉपी यहाँ पे आपसे लोग कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ अपने टाइम यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना टाइम यहाँ पे फिल कर दिया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखते हैं 13:20:43। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सिंपली 13:20:43 लिख दिया है। आप देख सकते हैं आपसे लोग यहाँ पे अपना वैलिड आपसे लोग एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे पड़ गया है। आपसे लोगों को सिंपली सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे लोगों के मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगी। उसके बाद आपसे लोग सिंपली ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपसे लोग आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सेम प्रोसेस रहेगा जैसे कि आपसे लोग आधार नंबर से डाउनलोड करें वैसे सेम आपसे लोग एनरोलमेंट नंबर से डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों आई होप आपसे लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो जाओ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ वापस।